नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीतू वाणी में एक बार फिर से। दोस्तों अभी अभी दो स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। आपको यूपी जाना हो, बिहार जाना हो, फटाफट इनके अंदर टिकटें बुक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और किसी की भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों फटाफट मैं लेकर चलता हूँ आपको IRCTC पर, और दिखाता हूँ कितनी सारी सीटें अभी इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स ये हम आ चुके हैं IRCTC पे। देखिए मैं आपको फटाफट इसकी डिटेल्स भर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितनी सारी जो सीटें हैं जो वो अभी अवेलेबल हैं। तो नई दिल्ली से छपरा की बुकिंग करके देखते हैं, और डेट जो होगी वो होगी 24 तारीख की, यानी कि परसों की, परसों के बाद। और फाइन ट्रेन्स दोस्तों, जिन यात्रियों को ये वीडियो देखने में लेट हो जाए वो निराश ना हो, बल्कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चल जाए, और जो साथी अपने ये वीडियो देखने के बाद टिकट बनाने में सफल हो जाए वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसी की भी हेल्प हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रेन है ये आ गई है अपने पास। ये देखिए ये है सबसे पहले स्लीपर क्लास की, जिसके अंदर फैसिलिटी है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। यह है नई दिल्ली सहरसा सुविधा स्पेशल। तो ये सुविधा गाड़ी है, इसके अंदर सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास तीनों की फैसिलिटी है। मैं आपको स्लीपर का बता देता हूँ कि कितना फेयर है और इसका जो अभी सीट अवेलेबिलिटी है वो कितनी चल रही है। ये देखिए फ्रेंड, जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो 24 तारीख को, इसी 24 तारीख को, यानी कि 2 दिन के बाद, आज 21 हो गई है, इसके अंदर अभी 566 सीटें अवेलेबल हैं 24 तारीख को। यानी कि अगर आप 24 तारीख को अपनी बुकिंग करते हैं और अपनी टिकट बनाते हैं तो भी आप दिवाली से पहले अपने घर पर पहुँच सकते हैं। तो 24 तारीख के बाद ये 27 तारीख को चलेगी, और उसके बाद चलेगी 1 नवंबर को, जिसके अंदर भी अभी बहुत सारी सीटें खाली हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं इसमें थर्ड एसी में भी आपको दिखा देता हूँ, थर्ड एसी के अंदर क्या स्टेटस चल रहा है अभी। तो थर्ड एसी के अंदर देखिए फ्रेंड्स, अभी 24 तारीख को इसके अंदर 93 सीट्स हैं, 27 तारीख को है 144, और 1 नवंबर को है 149। टू टायर का भी देख लीजिए, टू टायर का भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर टू टायर का भी अवेलेबल होगा अभी, और इसके अंदर टू टायर में है अभी 18 सीटें बची हुई हैं 24 तारीख को, 27 तारीख को है 32, और 1 तारीख को है 33 सीटें। दोस्तों आइए इसका रूट मैप देख लेते हैं, कौन कौन से रूट को ये कवर होकर चलेगी गाड़ी। नई दिल्ली से ये गाड़ी स्टार्ट होएगी सुबह, मॉर्निंग की है, सुबह 10:55 की। उसके बाद दोस्तों ये जाएगी कानपुर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, फिर छपरा, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया, बख्तियारपुर, और उसके बाद सहरसा। तो दोस्तों ये ट्रेन जो है वो काफ़ी यूजफुल है, इसके अंदर स्लीपर और एसी दोनों की फैसिलिटी है। इसके अलावा दोस्तों एक गाड़ी और है, इसके अंदर दोस्तों जो अगली जो गाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ एसी की फैसिलिटी है। यह है पुरानी दिल्ली से स्टार्ट होगी और दरभंगा तक चलेगी। तो इसके अंदर जो स्टेटस है वो देख लीजिए, पहले इसका ट्रेन नंबर मैं बता देता हूँ, इसका ट्रेन, और इसका रूट मैप देख लीजिए। पहले पुरानी दिल्ली से ये गाड़ी स्टार्ट होगी सुबह 11 बजे, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा तक जाएगी ये गाड़ी। और अगर आप एसी में थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तों इसके अंदर जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है अभी इसके अंदर 24 तारीख को RAC हो गई है। RAC अभी इसमें 33/1 चल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें सफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक हो जाएगी। उसके बाद 28 तारीख को अगर आप छठ के लिए जाना चाहते हैं तो 28 को देखिए इसके अंदर भी सीट्स अवेलेबल हैं, और 31 तारीख को भी अभी सीट अवेलेबल हैं, और फिर 4 तारीख को जाएगी नवंबर में। सेकेंड एसी में फ्रेंड्स देख लीजिए, सेकंड एसी के अंदर जो इसकी सीट्स की अवेलेबिलिटी वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ वीडियो में। ये देखिए सेकंड से अवेलेबल सेकंड सीट जो सेकंड एसी है उसके अंदर है, इसके अंदर 35 24 तारीख को, 28 तारीख को 51, और 31 अक्टूबर को है 70, और 4 नवंबर को है 138। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों अपने चैनल पे आपको वीडियो स्पेशल ट्रेन्स की मिलती रहेंगी, जब तक कि फेस्टिवल सीजन जो है चल रहा है, और आने वाले सभी फेस्टिवल सीजन पर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, या फिर मेरे सोशल मीडिया का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सत्यमेव जयते हैं।